तो ये 2.5 kg आम लेके आई हूँ, ये अचार के लिए आम है। और देखिए ये अचार का आम में ऐसे जो रहता है ना, इसके अंदर एक पतली सी पेपर के सामान रहता है, देखिए इस तरह से, इसको भी निकालते जाऊंगी। इससे क्या होता है, ये अचार खराब ना हो, ये पूरा चेक कर करके मैं इसमें डालूंगी। जैसे कि दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें लगा हुआ इसका बीज, इसको निकालूंगी। और इसके नीचे एक पतला सा बटर पेपर की तरह रहता है, उसको भी निकाल देंगे तो ये अचार खराब नहीं होगा। इस तरह करके इसको वॉश कर लूंगी अच्छे से। देखिए दोस्तों ये धुल गया है, और ये यहाँ पे मैं स्प्रे डाल रही हूँ स्प्रे सूखने के लिए। देखिए देखिए इसका पानी निकल गया है, और मैं इसमें अब नमक और हल्दी डालूंगी, और इसको एक दिन के लिए नमक और हल्दी डाल के रखूंगी। और हल्दी डाल देंगे, चार चम्मच नमक डालूंगी, और ये देखिए इससे पानी बहुत निकलेगा। इसको ऐसे ऐसे कर दो। देखिए अब ये हल्दी मिक्स कर दी हूँ, और इसमें छोड़ दूंगी। अब 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी, और 24 घंटे में इससे पानी बहुत ज्यादा रिलीज होगा। और उसके बाद फिर इसमें मसाला डालूंगी। दोस्तों ये अचार के मसाले को रोस्ट करने के लिए तैयार कर रही हूँ, और इसके जो मिर्च के हैं डंडल सारे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे इसके डंडल निकाल रही हूँ। ये मिर्च हुआ, ये देखिए मिर्च हुआ, और ये दो तीन चम्मच ये धनिया हुआ, ये सौंफ हुआ, और ये चार चम्मच आपके जीरा हो गए, चार चम्मच आपके ये सबको मैं रोस्ट कर दूंगी। रोस्ट इसलिए किया जाता है ताकि इसके में जो भी मॉइस्चर है उसको खत्म हो जाए, और अचार सालों साल चले, इसलिए रोस्ट किया जाता है। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, हल्का सा मिला के, सबको मिला के, बस कलर चेंज ना हो इसका, और इसको रोस्ट कर लेंगे। मसाले रोस्ट हो गए, और इसे मैं निकाल लूंगी। ये देखिए इसको, और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको दरदरा पीस लेंगे। अब इसमें डालूंगी 2 चम्मच अजवाइन और सौंफ। ये कलौंजी भी डाला जाता है, मैं यहाँ पे कलौंजी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं अचार बनाई थी उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा लग रहा है था, इसलिए मैं कलौंजी टेस्ट करके बाद में डालूंगी। यहाँ पे कलौंजी भी डाल सकते हो आप, कलौंजी तो मस्त है, मैं बाद में डालूंगी। और हल्का सा इसे का मॉइस्चर खत्म होने तक इसको फ्राई कर दूंगी, और ये मसाले साबुत जाएंगे, इसको ग्राइंड नहीं करना है, इसको साबुत जाना है। 2 कप सरसों ऑयल डालूंगी, 2.5 kg ये अचार है तो इसमें 2 कप सरसों ऑयल अच्छी हीट पे गरम कर लूंगी। ये देखिए है ना, और बाद में जो लगेगा वो बाद में दूंगी, अभी हीट करके इसको गरम कर लेते हैं। देखिए तेल हमारा बहुत हीट गरम हो गया है, और अच्छे से ये तेल पक गया है। अब ये अचार में डालूंगी तो अचार खराब नहीं होगा, आप सालों साल इसे खा सकते हो। और अब गैस को बंद करेंगे, और इसे ठंडा होने देंगे, गरम में नहीं डाले, ठंडा होने के बाद डाले। ये देखिए ये मसाला है, और इसमें मैं हींग डालूंगी, एक डब्बी हींग है, पूरा हींग इसमें डाल दूंगी। ये तेल में हींग डाल दूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे आप तेल में जरूर डालें, इससे कलर लाल लाल होता है, तीखा नहीं होता है, लेकिन मसाले का कलर जरूर लाल हो जाएगा, और इसे अचार बिल्कुल लाल लाल दिखेगा, ये आप जरूर डालें। देखिए कैसे तेल में मसाला कलर लाल होता है, और इसको मिक्स कर लें। सारे साबुत मसाला और ग्राइंड मसाला मिक्स कर दी हूँ, और अब अचार को थोड़ी देर धूप में डाली हूँ, सूख के आ जाएगा, उसके बाद लगा दूंगी। तो ये आम सूख के तैयार हो गया है, और बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसमें मसाला सारा ऐड करूंगी। ये देखिए ये सारे मसाले हैं, ये साबुत मसाले भी हैं, और इसको ग्राइंड किए हुए मसाले हैं, सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। सारे मसाले डल गए हैं, अब ये मसाला जो एक रखी थी इसमें जो ऑयल डाल के रखी थी, अब इसको ये डालूंगी। दोस्तों खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है, आप यकीन नहीं करोगे कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसमें कश्मीरी मिर्च डाल के रखी थी वो है, अब इसको मिक्स कर दूंगी। इसमें 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, ये देखिए काला नमक है, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे टेस्ट अच्छा आता है काला नमक डालने से। और थोड़ा सा और ये नमक ऐड करूंगी, ऑलरेडी उसमें पहले ऐड कर चुकी हूँ, अब जरा सा डालूंगी, 1 चम्मच और डाल देती हूँ। दोस्तों आज मैं इसको इसी में रखूंगी, और कपड़े से ढक के, पतले कपड़े से जैसे ढक के रखा था वैसे रखूंगी, और कल मैं इसमें डब्बे में रख के और ऑयल डालूंगी,
ढाई केजी आम में कम से कम आधा केजी ऑयल आप डाल के रखो, बहुत ही टेस्टी बनेगा अचार बनाने में। ये देखिए मिक्स हो गया है सारा मसाला। अब मैं इसे एक पतले कपड़े से ढक के बांध के रखूंगी आज भर, आज रख लूंगी, कल इसे मैं एक जार में भर लूंगी। देखिए ये गुड़ है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसमें डालेंगे। इतने सारे मसाले हैं तो उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में लाने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, लखा सा गुड़ डालेंगे। आप चाहो तो चीनी डाल सकते हो गुड़ की जगह, और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए खुशबू इतनी अच्छी फैल रही है दोस्तों, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ आपको कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और जहां से मैं ये आम खरीदी हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी, और कैसे कैसे सारे प्रोसेस में दिखाऊंगी इसमें। दोस्तों बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आती रहूंगी। बिल्कुल देसी अचार है ये, मेरी मम्मी और मेरी दादी बनाया करती थी ये अचार, मैं उन्हीं से सीखी हूँ ये अचार बनाना। मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था अचार बनाने के लिए, और मैं कभी बनाई भी नहीं थी, बस मम्मी जैसे जैसे बनाती थी वैसे वैसे मैं सीख के बना रही हूँ। मम्मी के स्टाइल का अचार है ये, मेरी दादी और मम्मी इस तरह अचार बनाया करती थी। अब मेरी बेटी बनाएगी अचार, वो रेसिपी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, लग रहा है अभी खा लो, लेकिन अभी खाने लायक नहीं हुआ है ये थोड़े दिन धूप में जाएगा, उसके बाद ये खाने लायक होगा। अब मैं इसे कपड़े से ढक के रख दूंगी। अब ये देखो दोस्तों, ये चम्मच इसी में रहने दूंगी, दूसरा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूंगी, और ये पतले कपड़े से ये मैं अपने चुन्नी से बांध के ये रख देती हूँ, पतला यही था इसलिए मैं इसे बांध रही हूँ, और इसको ढक के रख देती हूँ चुन्नी से, और कल इसको जार में भरूंगी। लगाने के बाद एक दिन इसे धूप में डाल दूंगी ढक के। अब ये देखिए ऐसा हो गया है, अब इसको ये गरम तेल है, फिर से ये आधा लीटर तेल है ये, इसमें और डालूंगी, जितना तेल डालोगे उतना अच्छा रहेगा और ये सालों साल चलेगा।